मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज पहुंचाता है सबकी खबर आप तक। कन्नौज के हजेरन ब्लॉक के पूरा राय ग्राम सभा में बनी पानी की टंकी में बंद आवारा पशुओं की हालत काफी दयनीय है। भूख प्यास से व्याकुल जानवरों की देखभाल भी नहीं हो रही है। जो जानवर मर जाता है उसे पास के ही रामरेला ग्राउंड में दफना दिया जाता है। प्रशासन पूरी तरह बेखबर है, इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं पानी की टंकी में जानवरों के बंद रहने से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद है, जिससे आसपास के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। इंद्रगढ़ से दिनेश भदौरिया की रिपोर्ट। हर धांधे गए हैं जो उनकी ना तो छाया पानी चारे की कोई व्यवस्था नहीं, 6-7 इसमें मर चुके हैं। जो हमारे पीछे रामलीला ग्राउंड है, रामलीला लगता है, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं रामलीला ग्राउंड की, उसी में ये लोग मरे हुए सार गड़वाते हैं। सारे अवशेष वहीं पड़े हैं, कई सर धड़ और उनके अवशेष सभी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कल मैंने वीडियो से बात की थी इस संदर्भ में, वहां पर अस्थायी रूप से इन्होंने रखे हैं और उस गांव के पास में है बरियामो गांव है, वहां पर बड़ी गौशाला है और वहां जानवर भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको स्थानांतरित करने के लिए कहा गया और वही उनको सेट करें। ग्रामीणों का कहना है जब से पानी टंकी में गौशाला बनाई गई है तब से उन्हें पानी की आपूर्ति बिल्कुल पूरी तरह बंद है, तो सर इसके लिए क्या करेंगे? कल मैंने भेजा था नैब साहब को वहाँ पर और व्यवस्था भी दिखवाई थी, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं इन्होंने कर रखी है, इसीलिए उन्हें बरियामो गाँव में ट्रांसफर करने के लिए कहा। जीवन अनमोल है, कृपया मोटरसाइकिल से रोड पर आए तो सिर पर हेलमेट लगाएं, नहीं तो भरना होगा चालान। मुख्य सचिव और डीजीपी के आदेश अनुसार 17 जून से 22 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जिला अधिकारी पीलीभीत वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर और ARTO अमिताभ राय पीलीभीत ने जिला पीलीभीत के गोहनिया चौराहे पर यातायात सप्ताह का कैंप लगाकर चौराहे पर गुजर रहे बिना हेलमेट की मोटरसाइकिलों को चेक किया और उनके पास हेलमेट न होने पर उनकी गाड़ी का चालान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने अपने ही पुलिस स्टाफ की महिला कांस्टेबल जो कि बिना हेलमेट के स्कूटी से आ रही थी उसको भी यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए उसकी स्कूटी गाड़ी का चालान कराया। स्टिकर पर छपे मुझे अपने परिवार की चिंता नहीं है इसलिए मैंने हेलमेट नहीं लगाया है स्लोगन वाले स्टिकर भी मोटरसाइकिल पर जिला अधिकारी महोदय ने चिपकाए हैं, जिससे मोटरसाइकिल सवारों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो। जिला अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट भी दिया। मीडिया के द्वारा जानकारी करने पर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सभी पेट्रोल पंप मालिकों को सख्त निर्देश दे दिए हैं, वो बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल सवारों को उनकी मोटरसाइकिल में किसी भी हालत में पेट्रोल ना भरे। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत ने आगे बताया कि ये यातायात सप्ताह कैंप लगाकर आज हेलमेट चेक किए जा रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ जनता को जागरूक करना है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाकर ही चले और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। मीटिंग में ये तय हुआ था कि लोग सड़क पर हेलमेट लगा के चलें, इसी के वजह में सड़क सुरक्षा जो सप्ताह मनाया जा रहा है 17 से 22 उसमें मैं स्वयं मौजूद रह करके ARTO साहब और क्षेत्राधिकारी नगर और PSI सारी टीम मिल करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उसके साथ साथ हेलमेट का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है और स्टीकर लगा करके उनको हिदायत दी जा रही है कि जीवन अमूल्य है और ये जीवन बार बार नहीं मिलता, अपने सिर की आप सुरक्षा करेंगे तो आपका जीवन भी बचा रहेगा और जो ट्रैफिक के प्रति अनुशासन है वो भी रोड पर दिखेगा। तो शासन और प्रशासन की जो मंशा है उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है
और इसी के साथ पेट्रोल पंपों को भी बताया गया है सारे जिले के पेट्रोल पंपों कि नो हेलमेट नो आयल। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव का बड़ा बयान, जो भी कांग्रेसी अपने आप को भावी सीएम कहता है वो पार्टी का हितेश्री नहीं हो सकता। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कांग्रेस की बड़ी हार की समीक्षा होना। अशोक तंवर के भावी सीएम पोस्टर वार पर दे रहे थे प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह को भी जमकर लपेटा, कहा मनेठी में एम्स की घोषणा करा कर क्षेत्र की जनता को चुनावों में छला। मनेठी में एम्स बनाने का पत्र लाकर दक्षिणी हरियाणा की भोली भाली जनता को छला है राव इंद्रजीत सिंह के इस्तीफे की मांग की। रेवाड़ी हरियाणा से राजकुमार, संवाददाता की रिपोर्ट। लेकिन हमारी ये मांग है कि जो विधानसभा के चुनाव से पहले पहले वहाँ पर एम्स का काम शुरू करवाएं धरातल के ऊपर, तब तो हम मानेंगे, वरना इनको विधानसभा में वोट लेने का अधिकार नहीं है। और राव इंद्रजीत को स्वाभाविक रूप से माफी मांगनी चाहिए, और बल्कि मैं ये कहूँगा इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के तौर पे वो उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि भोले भाले लोगों को किस जिस तरीके से इन्होंने गुमराह किया। और जो ये जो कमेटी थी इनको सबसे चर्चा करनी चाहिए थी, जो लोग धरना पे गए थे उनसे चर्चा करनी चाहिए, उसके बाद धरना उठाना चाहिए था। गुरुग्राम के सोहना इलाके में स्थित लाला खेड़ली गांव में एक तेंदुए की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। गुरुवार को सोहना जिले के लाला खेड़ली गांव में एक तेंदुआ घुस आया और पेड़ पर जाकर चढ़ गया। पेड़ पर बिजली की नंगी तारे बिछी हुई थी, जिससे चिपक कर तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई। करंट इतना ज्यादा था कि तेंदुए का पेट तक जल गया, जिससे खून के निशान जमीन पर पड़े हुए थे। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने वन विभाग अधिकारी को दी, जिसके बाद वो घटना स्थल पर पहुंचे और तेंदुए को पेड़ से उतारा। जानवरों की करंट लगने से मरने की बातें आजकल आम हो गई हैं। आए दिन कोई ऐसी घटना सुनने को मिलती है जहां पर करंट लगने से जानवरों की मौत होती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन फिर भी प्रशासन इससे कोई सबक नहीं लेता। यहाँ पर साफ साफ बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिलती है। यहाँ पास में एक मंदिर भी है जहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी। तो सवाल ये है कि क्यों 11,000 वोल्ट बिजली की तारों को खुला छोड़ा गया, क्यों प्रशासन ने कभी इसकी सुध नहीं ली। गुरुग्राम से राजीव मेहता की रिपोर्ट। सुबह सुबह बच्चे दौड़ मारने के लिए भी आते इधर, और वैसे मंदिर में टहलने के लिए भी आते, तो इधर देखो आंच लगी हुई थी हल्की सी। अच्छा जी। हाँ, तेंदुआ भी फुका हुआ था अंदर से और पेड़ में भी धुएं उठ रहे थे। सुबह देखा जब तेंदुआ लटका हुआ था इसमें। टीम पहुंची मौके पे? टीम मौके पे नहीं आई, बहुत लेट आई टीम जी। हाँ, लेट हो गई। हाँ, तेंदुआ आते जाते रहते इधर पानी पीने आते। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं लाला खेड़ली गाँव से सरपंच राम निवास। सर, हमको पता लगा था कि हमारा मंदिर है पहाड़ी में अंदर, उधर हमारे लोगों का आवागमन है, सुबह जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो वहाँ पर हमने एक जोड़ी बना रखी है, उधर पानी इकट्ठा कर रखा है, उधर बोरिंग कर रखा है हमने। तो उसमें जब गए तो वहाँ पे तो पानी देखा तो उसमें लाइन में वो जो क्या नाम है वो लटक रहा था, तेंदुआ। हाँ, टहनी है वो 11,000 वोल्ट लाइट है जी, उसमें तो अगर दोनों का फॉल्ट होगा तो वो तो जली जाती है जी, उसमें तो बहुत ज्यादा पावर है उसमें। तो ये जो तेंदुए हैं ये आपके यहाँ पर आज तरह घूमते हैं, यहाँ रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते जी। पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन आज की पीढ़ी इसको नहीं समझती और हर रोज पति पत्नी में झगड़े अक्सर सुनने को मिलते हैं। ऐसा ही झगड़ा गुरदासपुर के बटाला में हुआ, जहाँ जोशना नाम की लड़की फगवाड़ा, जिसकी शादी 1.5 साल पहले बटाला के बेड़िया मोहल्ले के संजीव सानन के घर में हुई थी। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि हमारी बेटी ने सुबह फोन करके हमें बताया, तब हम बटाला में पुलिस पार्टी को साथ लेकर लड़की के ससुराल गए, तभी लड़के वालों ने हमें पुलिस की मौजूदगी में बिना पुलिस के डर से पीटना शुरू कर दिया और पुलिस पास खड़ी सब तमाशा देख रही थी। पीड़ित लड़की मीडिया के सामने रो रो कर कह रही है कि उसका पति छोटी छोटी बात पर उसकी पिटाई करनी शुरू कर देता है, पहले भी
कई बार ऐसा हो चुका है। पिछली रात को भी ऐसा ही कुछ हुआ। मायके जाने पर मेरे को पीटना शुरू कर दिया। जब मैंने सुबह अपने मायके फोन करके बताया तो मेरा परिवार पुलिस के साथ मेरे ससुराल आया, लेकिन ससुराल वालों और मोहल्ले वालों ने मिलकर पुलिस की मौजूदगी में उनको पीटा। पुलिस पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। पीड़ित लड़की ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि इस सारी घटना को पुलिस की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। लड़की के ससुराल वालों को कैसे पता चला कि पुलिस के साथ उनके घर आ रहे हैं? अगर हमने लड़ना होता तो पुलिस को साथ लेकर नहीं आते। जांच अधिकारी का कहना है कि दोनों तरफ से हमें शिकायत आई है, दोनों परिवारों को मामूली चोटें आई हैं। जांच के बाद जो सच सामने आएगा उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी। गुरदासपुर से राजीव मेहता की रिपोर्ट। के 1:30 बजे तक कुटिया मेरे सिर से मारे, रोड पे नील पे उन्हें मैंने मारिया, बहुत मारदा। अपने माड़ी जी गल कोई नहीं सी, मामू का फोन आया सी कि नानके आ जा। मैं फोन सुनती सी आया खपिया तब मैनू आके बस इदे कर दे, तो बहुत ज्यादा मारता वा। माड़ी जी गल कुछ कह दो नाल ही अपना एटीट्यूड जिद्दां ईगो आ जांदी है कि मैं आदमी हाँ, तेरा आदमी हाँ वाली फीलिंग आ गई। मैंने कुटिया, मैंने अगे भी 15 दिन पहले मेरा गला दबा दिता सीगा, उतो पहले भी मेरा संदूर पहुंचिया 15 बारी, मंगल सूत्र तोड़ दिता, कहता तेरे लिए मैं मर गया जी। मेरा संदूर 3 महीने पहले कलेश होया सी, उदो मम्मी पापा सी। आदता तंग किया तो उन्हें, मैं फगवाड़े जाना, मैं फगवाड़े जाना, मैंने भेजो फगवाड़े भेजो, रात सारी बूहे बावे भांदी रही है। नू मेरी ने सवेरे असी उन्हें अपने फोन करके सदे हुए से, 30-35 बंदे कट्ठे होके आए ने। असी वैसे थले आए कि चल आए ने, उन्होंने बूहा खोलिया, इन्हों के हाथी पै गए ने। उस तो बाद जे मैं थले उतर गया, मेरे सिर च मुक्का कट मारिया, मेरी चैनी चूनी डिग पई है, कितने लालू लई उन्होंने। मैं ज्योसना की मासी हाँ, मैं लुधियाने तो आई हाँ, 1.5 साल होया साड़ी कुड़ी नूं व्याहे, साड़ी कुड़ी नूं 1 दिन भी इन्होंने सुखी नहीं रहन दिता। कुड़ी नूं मारदे ने, कुटदे ने, इन्ना बुरा हाल कुड़ी दा करदे ने। अज सानूं सवेरे पता लगे, सानूं फोन आए ने, ते असीं सारे जने इकट्ठे होके इत्थे आए हाँ। जदों असीं इत्थे आए हाँ, सब तों पहलां असीं थाने गए, FIR लगाई, उत्थे पुलिस वाले असीं नाल लैके गए हाँ, पर उन्होंने जाके कोई एक्शन नहीं लिया। 3 जने साडे नाल गए ने, अगर पुलिस साडे नाल गई है तो उत्थे जाके क्यों साडे नाल हत्थों पाई कीती गई? कोई 10-11 बजे मियाँ बीबी दी बहस होई आ, तो लड़की ने अपने मापिया नूं फोन करके बुला लिया। घर में सिर्फ मैं ते मेरी पत्नी सी, जिस दे करके मैं बुआ खोलिया है, अते उन्होंने आंदे ही मैनू गोलो फल लिया है, तो मेरे नाल मार कुटाई करन लग पई। नाल ही मेरी पत्नी जब थले आई तो मेरी बहू ने मेरी पत्नी दे हथी पै गई, उसकी माँ भी पै गई, उसका प्यो भी पै गया, जबकि वह शुगर पेशेंट होंदे हुए थले डिग पई। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਥੁਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 MLR ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLR ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। मुद्दा चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक या फिर धार्मिक, अगर है वो आपके मतलब की तो हम जाएंगे उसकी तह तक, लेंगे जानकारों की राय। बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर अपराध की या फिर सरकारी महकमे की, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर, क्योंकि 24 आवर्स टुडे न्यूज पहुंचाता है सबकी खबर आप तक।